ये एंगल भाई सबसे सेटिस्फैक्टरी लग रहा है हमको अल्फा। और क्या ही सेक्सी टी शर्ट भाई। हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। तो सीन ये, तुम्हें एक छोटा सा अपडेट देते हैं, वो अपडेट देते हैं इस तरफ आके। तो अभी तुम हमारे सर पे टोपा देख ही रहे होगे, तो ये हमने वर्कआउट के लिए ही लिया स्पेशली। रुक जाओ पहले इसे सेटअप होने दो। तो तुम देख रहे होगे ये यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब भी हम स्ट्रिंगर अपनी उतारते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसमें हम माइक अपना यहाँ लगा लेते हैं इस तरीके से। तो हमें थोड़ा शुरू में अजीब तो लगेगा, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ा तो इसको सेट होने में या फिर हमें इससे यूज्ड टू होने में टाइम लगेगा, बट हो जाएगा मेरे ख्याल से। यार बड़ा अलग तो लग रहा है, मतलब ये तो नहीं कहेंगे हम बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं इस चीज़ से, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें भाई वो चैले क्या कहते हैं, हमने चैन तक ली थी साली, वो हमने एक दो बारी पहनी है और उसके बाद हमें पहनने की मन ही नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं भाई ऐसी चीज़ों की आदत कि हम कुछ ऐसा अलग से पहने। बाकी आज मिलते हैं जिम में अभी सीधे जाके। हाँ तो भाई किडो, तुम्हारा स्वागत है फिर से अगेन। आज ट्रेन करना है बैक और बाइसेप्स, और ये पहला बैक सेशन होगा वीक का। इसके बाद जो मेरे ख्याल से दूसरा बैक सेशन जाएगा वो सैटरडे को ही जाएगा, और उस दिन लेग्स भी ट्रेन करना होगा। तो आज डेडिकेटेड बैक और फिर बाइसेप्स ट्रेन करनी है, जिसमें होने वाले हैं दो रोइंग के मूवमेंट, दो पुल डाउन और एक शायद लोअर बैक होगा। तो बस यही है फिलहाल के लिए। अंकित गौर, आई होप दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है लैट पुल डाउन। अगेन थोड़ा सा, यानी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं रखना, एकदम शोल्डर विड्थ से हल्का सा वाइड, यानी एक हाथ ज़्यादा वाइड रखना है। देन लेट पुल डाउन परफॉर्म करेंगे, उसके पांच सेट करने हैं हमें, जिसमें से दो वार्म अप होंगे, बाकी के तीन वर्किंग सेट होने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो पहला तो वार्म अप ही होने वाला है, दूसरे वाले में थोड़ा सा पुश करेंगे, बाकी के तीन मेन वर्किंग सेट होंगे। स्ट्रैप अभी हमने पहन लिए हैं बट ये यूज़ नहीं करने वाले, इसको आखिरी के दो या तीन, दो ही सेट में यूज़ करेंगे, बाकी के मैं तो एज एन फुल अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ पे ही पूरा पुल करना है हमें। Like a light lighting up in the dark. You make it right. I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. ओके भाई, तो जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं वो है न्यूट्रल ग्रिप सीटेड मशीन रोल्स। अच्छा भाई, इसमें एक चीज़ मुश्किल तो है बट ट्राई ज़रूर करनी है, जो तुम उसको वो करो रोल्स करो, तो जब तुम यहाँ पे लिखाते हो हल्का सा एक स्पीज क्रिएट करो, यानी एक पॉज क्रिएट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। बेसिकली जितनी तुम्हारी मसल कॉन्ट्रेक्शन में रहेगी उतना ही ज़्यादा तुम ब्लड फ्लो इंक्रीज कर पाओगे और तुम्हारी मसल ग्रो करेगी। तो अगला मूवमेंट करने वाला है वो है इंक्लाइन बेंच डंबल रोज। लेकिन आज हमें रोज नहीं करनी, हल्की सी एल्बोस प्लेयर आउट करेंगे, तो थोड़ा मतलब अपर बैक पे ज़्यादा फोकस करता है ये। अगला मूवमेंट करने वाला है वो है प्रीचर कर्ल, क्योंकि अगेन बाइसेप्स को जब शुरू करो तुम अपना एक तरीके से शॉर्ट एंड पोजीशन पे शुरू करना चाहिए, वरना फिर जब तुम लेंथ एंड पोजीशन पे शुरू करने का जब शॉर्ट एंड पे जाओगे तो इतना अच्छा तो माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट योर बाइसेप विद दी प्रीचर कर, शुरू लाइट वेट से करेंगे, थोड़े से रेप्स इसमें ज़्यादा का मतलब ये है मैक्सिमम 20 जाएंगे। हाँ
बस भाई हम कितना ही थाला गेन कर लें और बॉडी डिस्मॉर्फिया हमें नहीं जीने देते थाला। जब भी है जैसे हम अपनी टी शर्ट वगैरह उतारते हैं ना, सबसे पहले शब्द निकलता हमारे दिमाग में आता है स्किनी। ओके भाई, उम्मीद तो देख रहे होगे। तो ये आखिरी सेट है और ये ड्रॉप सेट करने वाला है। तो ये चार सेट का ड्रॉप सेट होगा जिसमें शुरू में दो में 10-10 जाएंगे, तीसरे में जाएंगे 20 और चौथे में फेलियर हिट करना है। अभी करेंगे स्पॉट रैक पे बारबेल कर। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें गेंस मिल जाते हैं, बट इसमें तुम हमें जो फील होता है बेसिकली वो ये कि इसमें तुम फेलियर ज़्यादा हिट कर पाते हो अपने ज़्यादा रैप्स पे। वरना तुम्हारे क्या करता है कि जब तुम छोटे बारबेल से करते हो, हवा में कर रहे होते बिना रैक के, तो रखने वाला सीन बहुत थोड़ा दिक्कत करता है। स्क्वाट रैक में वो नहीं है और बड़ी रॉड का कुछ तो है साला सीन। तुम इसमें अलग ही पंप फील करते हो कंपेयर टू छोटी वाली रॉड। तो कभी कभी स्क्वाट रैक पे बारबेल कर्ल करना। तो अभी हमने सिर्फ एक 10 LBS की प्लेट बढ़ाई है, इसमें देखते हैं कितने रैप्स आते हैं। अगर 10 भी आते हैं चलेगा, खुश रहेंगे। ओके भाई, तो एक सेट और करना है हमें बाइसेप्स का। मतलब वो तो सोच रहे हैं या तो इंक्लाइन बेंच कर्ल कर लें या फिर नॉर्मल कर्ल कर लें। तो देखते हैं, आज मन तो कर रहा है कि नॉर्मल कर्ल करें। अच्छा भाई, इतना 3 जाम करने के बाद डिसाइड किया कि हमने कि फोर आर्म्स हैमर कर्ल करेंगे क्योंकि हमें फोर आर्म्स भी ट्रेन करना है। और फोर आर्म्स के लिए हम कोई एक अलग से एक्सरसाइज नहीं करना पा रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वो करने जाएंगे इतना मन नहीं करेगा हमारा। तो हैमर कर्ल कर ले रहे हैं, उसमें हमारे बाइसेप्स और फोर आर्म्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। ओके भाई, तो ये काफ़ी मूवमेंट बैक करेगा वो हाइपर एक्सटेंशन, क्योंकि सारी बैक हमने एक्सरसाइज कर ली, दो रोज किए थे और एक लेग पुल डाउन किया था, एक हमें लोअर बैक के लिए करना रह गया था। ये हमने इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि अगर ये कर लेते हैं फिर उसके बाद बाइसेप्स कर्ल अच्छे से नहीं हो पाती। तुम अगर इसको फ्रिक्वेंटली करते हो तुम पता चल जाता है कि इसके करने के बाद क्या हाल होता है तुम्हारी लोअर बैक का। अगर एक अच्छी चीज़ ये होने लगी कि अभी हमारा ये हिस्सा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, तुम राउंडनेस देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एक तरीके से अनइवन, बट अभी भी है। इधर की तो कुछ ज़्यादा ही है बल्कि। ये एंगल भाई सबसे सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है हमको हल्का हल्का, अदरवाइज वरना इसके नहीं बची है। हाँ तो भाई, क्यू डॉक्स, कैसे हो तुम लोग और स्वागत है तुम्हारा किचन टॉक्स के फिर से एक और एपिसोड में। तो भाई, चीज़ यह है कि आज हमें ये ब्रांड की तरफ से एक स्ट्राइक आया था बेसिकली हमारा, तो उसमें ये टी शर्ट निकली भाई, और क्या ही सेक्सी टी शर्ट भाई, मज़ा आ गया पहन के। तो तुम देख रहे होगे कि बहुत कम टी शर्ट होती हैं जो तुम्हें जैक्ड फील कराती हैं एक्चुअल में और स्किनी बिच नहीं फील कराती, उनमें से एक ये है। तो हमें काफ़ी अच्छी लगी पहन के, मज़ा आया। और अभी तुम्हें अपडेट क्या दे भाई, तुम्हें अपडेट क्या देना था, अपडेट ये देना था तुम्हें कि भाई एक लड़के का सवाल था। ऐसे नहीं, बातें रैंडम नहीं होंगी, सवाल सुनो। ये था अंकित भाई, मैं बल्क कर रहा हूँ, मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है पर साइज नहीं। मतलब मान के चलो ना कि तुम स्केल पे जा रहे हो, खड़े हो रहे हो,
तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है तुम उससे ज्यादा मतलब की वेट गेन कर रहे हो, बट जो तुम्हारा साइज है वो वहीं का वहीं धरा हुआ है। तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, पहले तुम जान लो हो क्या रहा है या हो क्या रहा होगा। तो सीन ये रहता है कि मान के चलो तुम्हारी खुद से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है कभी कभी, मान के चलो हमारी खुद से कभी ज्यादा हो जाती है और हम खुद को शीशे में देख रहे होते हैं तो हमें फील ये होता है कि साला कुछ तो बढ़ नहीं रहा है, मतलब कि सिर्फ साला वेट बढ़ जा रहा है, नीचे देख रहे हैं लेकिन दिखने में कुछ है नहीं। तो उस केस में क्या हो रहा है, वो है बॉडी डिस्मॉर्फिया। मतलब बड़ी कुत्ती चीज है पर उसकी क्या कहते हैं ना, उसका जयकारा लगाओ क्योंकि उसी की वजह से तुम इंप्रूव करते हो हमेशा, ठीक है। तो वो एक केस हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि तुम फैट ज्यादा गेन कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि लिटरली तुम ज्यादा खा रहे हो, गलत बैलेंस में खा रहे हो और कार्डियो वगैरह भी नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है तुम लिटरली फैट ही ज्यादा गेन कर रहे हो। अब इस केस को कैसे पता करें बिना किसी दिक्कत के, तो तुम्हें याद होगा कि हमने बताया था तुम्हें डे वन पे ही कि शुरू कहां से करें। तो तुम शुरू कहां से करते हो, मेजरमेंट से। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जहां जाना है उससे पहले तुम कहां पे हो अभी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तुम्हें मेजरमेंट्स लेने होते हैं। तुम अपने आर्म्स का मेजरमेंट लो, तुम अपनी छाती इसका, वेस्ट का मेजरमेंट लो, चेस्ट का मेजरमेंट लो, तुम्हारी आर्म्स का, नेक का, थाई का, काफ्स का और हिप्स का भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि वहां तो नहीं चाहोगे तुम्हारी मसल गेन हो या फिर किसी गलत तरीके से बढ़ाओ वहां, ठीक है, लेकिन तुम मेजरमेंट्स लो। मेजरमेंट से क्या होगा, तुम ट्रैक कर पाओगे कि तुम्हारे कहां पे कितने इंचेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहीं बढ़ने चाहिए जहां जहां हमने बोला, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम ट्रैक कर पाओगे कि हाँ कहाँ पे बढ़ रहा है बेसिकली। कभी कभी होता क्या है कि हम खुद को इतना ज्यादा देख रहे होते हैं शीशे में तो हमें पता नहीं चलता है कि कितना बढ़ रहा है या फिर कहाँ से कितना बढ़ रहा है। तो वो एक ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आसान तरीका होता है, जिसमें तुम पता कर सकते हो कि हाँ भाई हमारा यहाँ से इंप्रूव हो रहा है या फिर यहाँ से हमारी ये मसल बढ़ रही है या फिर यहाँ पे हम ज्यादा फैट गेन कर रहे हैं। और वही तुम वेस्ट से यानी मेजरमेंट भी पता लगा सकते हो कि तुम्हारा फैट तो कहीं ज्यादा नहीं बढ़ रहा है या फिर वेस्ट साइज ही कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो वो चीज भी तुम ट्रैक कर सकते हो। तो ये हमें तुम्हें बताना था, सवाल किसी की उड़ास का था तो तुम्हें बता दिया। बाकी भाई अब तो सेम शिट एवरीडे, मतलब चिकन राइस ही होने वाला, चिकन राइस पीनट्स और इधर अंडे उबलना है हमारे, बस ये हमारा डिनर है। तो मैं तुम्हें यही बताना था। बाकी भाई अपना ख्याल रखना, बताना कैसी लगी वीडियो, नीचे कमेंट कर देना, ठीक है भाई।